चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर। गुड फ्राइडे मॉर्निंग सर। की क्लास में अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास जो थी उसका मैं ब्रीफ दे देता हूँ 5 मिनट के अंदर। वी हैव टॉक अबाउट द थ्योरम्स, ठीक है। थ्योरम्स का इसमें अपन ने स्टार्टिंग करी थी। तो थ्योरम्स में सबसे पहले थ्योरम का यूज तब आता है जब अपन को किसी भी सॉल्यूशन को इजी मैनर में सॉल्व करना हो, या फिर अपना टाइम सेव करना हो, या एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज करना हो, उसके लिए अपन थ्योरम का यूज करते हैं। नंबर 1 थ्योरम इज सुपरपोजिशन थ्योरम, यहाँ पे अपन लिखा हुआ है। सेकेंड 1 इज थेवेनिन थ्योरम एंड द थर्ड 1 इज द नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट अपन ने देखा था इसमें, क्लियर। तो स्टेटमेंट में इसमें जो था वो ये था कि इन अ लीनियर नेटवर्क हैविंग मोर देन वन वोल्टेज एंड करंट सोर्स, द टोटल करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच इज एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट और वोल्टेज इन दैट ब्रांच प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग सेपरेटली। मतलब एक एक करके अपन सोर्स को यूज करेंगे और उस सोर्स से उसका रिस्पॉन्स अपन फाइंड आउट करेंगे। उसी के लिए अपन ने स्टेप देखे थे। सबसे पहले स्टेप में अपन एक कोई सोर्स सिलेक्ट करेंगे और उससे उसका पार्शियल रिस्पॉन्स डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो अदर सोर्सेस हैं आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस, वी हैव टू रिमूव दैट सोर्सेस। अगर वही वोल्टेज सोर्स है तो वी विल शॉर्ट सर्किट इट, और कोई करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स तो वो रहेगा आपका ओपन सर्किट। नेक्स्ट स्टेप में मैश और नोडल का यूज करके आप डिटरमाइन करेंगे पार्शियल रिस्पॉन्स ऑफ द सोर्स, कौन से स्टेप के लिए जो सोर्स आपने सिलेक्ट किया था नंबर 1 स्टेप में। उसके बाद यही सारे स्टेप, तीनों स्टेप अपन रिपीट करेंगे जितने भी अदर सोर्सेस प्रेजेंट हैं सिस्टम में आपके या नेटवर्क में। और लास्ट में आके अपन क्या करेंगे, इसका एल्जेब्रिक एडअप करेंगे, सारे के सारे जो भी आपके रिस्पॉन्स आए हैं, चाहे वो करंट की वैल्यू हो, चाहे वो वोल्टेज की वैल्यू हो, और दिस इज द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। जो क्लास में एबसेंट था कि उसको स्टेटमेंट में और प्रोसीजर की किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? न्यूमेरिकल करें इसका जिससे कि समझ आ जाए इसको कैसे करेंगे अपन। यस सर। चलिए इसका हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल ऑन सुपर पोजिशन थ्योरम। न्यूमेरिकल ऑन सुपर पोजिशन थ्योरम, तो नंबर 1 इसका न्यूमेरिकल लिखिए। डिटरमाइन द करंट, डिटरमाइन द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर, डिटरमाइन द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। क्या करना है अपन को इस न्यूमेरिकल में, अपन को इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है थ्रू 8 ओम रजिस्टर जो नेटवर्क अपन गिवन है विद द हेल्प ऑफ सुपर पोजिशन थ्योरम। चलिए इसका डायग्राम बनाइए सभी लोग। सबसे पहले है आपका प्लस माइनस 20 वोल्ट, देन 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम, और एक आपका करंट सोर्स दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। फिर से वैल्यू इसकी रिपीट करता हूं मैं आप लोगों के लिए। प्लस माइनस 20 वोल्ट, 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 2 एम्पियर, और 8 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी।
क्लियर। सभी स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल और क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। सर ये करंट के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? थ्रू डिटरमाइन द तो करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, इसमें सबसे पहले तो स्टेप नंबर वन, स्टेप वन क्या है आपका? अपन कोई भी एक वोल्टेज सोर्स सिलेक्ट करेंगे। तो वी सिलेक्ट 20 वोल्ट सोर्स फर्स्ट, ठीक है ना? जैसे कि आपका इसके स्टेप्स में थे, स्टेप नंबर वन था सिलेक्ट एनी वन सोर्स इन द सर्किट हुज पार्शियल रिस्पॉन्स इज टू बी डिटरमाइंड। ये अपन ने सिलेक्ट कर लिया 20 वोल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन? स्टेप नंबर टू में यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेप टू, रिप्लेस ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड ऑल अदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। अब सर्किट में जितने भी अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपके अवेलेबल है, अपन उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना? इट मींस दैट कि यहाँ पे जो आपका 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, ये क्या हो जाएगा? बताओ, इस टाइम पे जब अपन ने 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है, उस टाइम पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स के साथ क्या होगा इस पर्टिकुलर स्टेप में? सर ओपन ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है? इट विल बिकम ओपन सर्किट, है ना? तो जैसे ही आपका ये सर्किट ओपन होगा, वैसे ही आप सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे लाइक दिस, प्लस माइनस 20 वोल्ट, ये तो यूज किया ही हुआ है अपन ने, 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम, और ये वाला जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, इसको क्या रखा हुआ है? इसको अपन ने ओपन रखा, ठीक है? अब अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या था आपका? यूज मैश और नोडल एनालिसिस टू डिटरमाइन द पार्शियल रिस्पॉन्स ऑफ द सोर्स सिलेक्टेड इन स्टेप वन। मतलब अब अपन ने 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यूज किया हुआ है, और रिस्पॉन्स अपन को किसका निकालना है? जो न्यूमेरिकल में अपन को निकालना है, अवर मेन एम इज टू फाइंड द रिस्पॉन्स अक्रॉस द 8 ओम रेजिस्टेंस। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 ओम रेजिस्टेंस में अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? I1 की वैल्यू। समझ आया? दैट इज इन स्टेप नंबर थ्री। देखो, यहां पे अगर आप सर्किट में देखें जो अभी अपन ने बनाया है, 4 ओम के अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर शायद 4 ओम के अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो रहा है, नो सर ठीक है ना? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? ओपन सर्किट। ये अपन ने इसको ओपन सर्किट कर दिया है, जो आपका वो करंट सोर्स था, इसका मतलब यहाँ पे कोई क्लोज पाथ नहीं है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा आपका, ठीक है ना? इट मींस दैट कि करंट कहाँ से फ्लो होगा? करंट सिर्फ आपका कहाँ से फ्लो होगा? एक आपका 2 ओम से और एक 8 ओम से। तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, आप डायरेक्टली 8 ओम के रेजिस्टेंस अपने करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बताइए, इसमें I1 की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 इन पर्टिकुलर दिस? मान लो इसको मैंने फिगर 1.1 कर दिया है ना, फिगर 1.1 के अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू क्या आई है आपकी? 2 एम्पियर।
वी बाय आर, ठीक है। वी बाय आर मतलब 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसमें डायरेक्ट अपन ने सिंपल क्या किया, यहाँ पे जो आई वन आपका 8 ओम के अक्रॉस है वही आई वन आपका पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होगा, क्लियर। दैट इज 20 डिवाइड बाय 2 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 2 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, समझ आया कैसे किया अपन ने। सबसे पहले एक कोई सोर्स अपन ने सिलेक्ट किया है और उस टाइम पे जो अदर सोर्स है उसको अपन ने रिमूव किया हुआ है, और उस पर्टिकुलर सोर्स से अपन ने ये देखा कि जो ब्रांच अपन जिस ब्रांच में अपन को करंट की वैल्यू निकालनी है उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी। ठीक है, अब यही स्टेप अपन रिपीट करेंगे फिर से, किसके लिए, यही तीनों स्टेप आप किसके लिए रिपीट होंगे बेटा। करंट सोर्स के लिए, करंट सोर्स के लिए। करंट सोर्स के लिए, वेरी गुड। नाउ तो स्टेप नंबर 4 में लिखिए, नाउ वी हैव टू रिपीट द अबव स्टेप्स। Now we have to repeat the above steps for the current source of 2 एम्पियर। ठीक है, इन द नेटवर्क ध्यान रखिएगा, जितनी बार आप करंट सोर्स का यूज करेंगे, मतलब अपना ये वाला कोई भी सोर्स यूज करेंगे, उतनी बार आपका नेटवर्क को आपको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। जब अपन ने 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यूज किया था तो आपने फिगर 1.1 बनाया जिसमें आपने 2 एम्पियर को रिप्लेस किया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि अपना इसमें मेन मोटो क्या है, अपन को इसमें जितने भी आपके एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे एक्टिव एलिमेंट्स से रिस्पॉन्स देखना है पर्टिकुलर करंट का रिस्पेक्टिव ब्रांच में, जो भी आपकी ब्रांच दी हुई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2 एम्पियर का करंट सोर्स यूज करेंगे लाइक दिस। जैसे मान लो मैंने इसमें ये आपका डायग्राम बनाया फिर से, है ना, यहां मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स मैंने यूज किया लाइक दिस। ये 2 एम्पियर करंट सोर्स हो गया, ये 4 ओम आपका कनेक्टेड है, ये 2 ओम आपका कनेक्टेड है, ये 8 ओम आपका इसमें दिया होगा, जैसे डायग्राम था आपका 2 ओम 8 ओम 4 ओम 2 एम्पियर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव करंट से अपन अब ये देखेंगे कि जब अपन ने करंट सोर्स यूज किया उस टाइम पे कोई अदर सोर्स आपका इसमें सर्किट में अवेलेबल है या नहीं। कौन सा सर्किट नो अवेलेबल सर, है बेटा अभी यहाँ पे, नहीं ओनली करंट सोर्स, करंट नहीं सर्किट। अगर जब अपन करंट सोर्स यूज कर रहे हैं उस टाइम पे कोई दूसरा सर्किट अवेलेबल है आपके नेटवर्क में, जो गिवन नेटवर्क है, करंट सोर्स यूज कर रहे सर, जब तो कोई नहीं है सर, ओनली करंट वाले ही। नहीं, अगर अपन एक सोर्स यूज करते हैं तो दूसरे सोर्स को अपन रिप्लेस करते हैं, ठीक है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, और या फिर अपन ऐसे समझ लें वोल्टेज सोर्स हो तो शॉर्ट, करंट सोर्स हो तो ओपन। तो जब अपन 2 एम्पियर का करंट सोर्स यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, इट विल बिकम शॉर्ट सर्किट लाइक दिस। समझ आया, सुनिएगा सुनिएगा।
समझ आया आपको कि अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपका वोल्टेज सोर्स था उस वोल्टेज सोर्स को अपन ने क्या कर दिया, अब रिप्लेस, एंड इट विल रिप्लेस बाय द शॉर्ट सर्किट कंडीशन। आइडियल वोल्टेज सोर्स था उसको अपन रिप्लेस कर दिया, यस सर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे जो आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स है या 2 ओम है या 4 ओम है या 8 ओम है, अब ये इस 2 एम्पियर करंट सोर्स का अपन डायरेक्शन देखेंगे और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो 8 ओम में आपका करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू अपन निकालेंगे, दैट इज I2। क्लियर, समझ आया? मतलब करंट सोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन अब ये देखेंगे कि यहाँ पे जो I2 का जो करंट है वो I2 करंट आपके इस रेजिस्टेंस में 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितना फ्लो हो रहा है, ये अभी अपन अब इसको फाइंड आउट करेंगे। अब उस I2 करंट को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ये बताइए आप लोग कि यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस गिवन है कौन कौन से रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में इस सर्किट में आपको दिख रहे हैं, कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका पैरेलली कनेक्टेड है बताएं? 8 ओम, 8 ओम और एट ओम के साथ पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है? सो शायद 2 ओम। 2 ओम, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या है, ये तो आपका शॉर्ट सर्किट ही हो गया, तो अब अपन 2 ओम को चाहे यहां पे बनाए चाहे इस वाली ब्रांच में बनाए, बात एक ही है, ठीक है ना? यस सर, अब अपन क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I2 वी विल यूज द करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल कहता है कि मान लो मेरे को यहाँ पे इस जगह I2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो I2 के लिए मैं क्या करूंगा, I2 के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं टोटल करंट को सबसे पहले ले लूंगा कि नेटवर्क में मेरा कितना टोटल करंट अवेलेबल है, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस रेजिस्टेंस से जो रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट इज R1। मान लो मैंने इसको R1 लिख लिया, ठीक है, और इसको मैंने R2 बोल दिया आपको समझने के लिए, तो इसमें हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दैट इज टोटल सप्लाई करंट कितना है आपका 2 एम्पियर। जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I2, अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अब जो मेरी I2 की वैल्यू निकाल रही है उस I2 की वैल्यू मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने टोटल सप्लाई करंट लिख लिया है 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया सबसे पहले जो पहले में रेजिस्टेंस कनेक्ट था उससे, और डिवाइड कर दिया टोटल जो अपन ने 2 पैरेलल रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा करंट डिवीजन रूल में अपन को ये देखना पड़ेगा इसमें कि आपके कौन से 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलली कनेक्टेड है, यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 2 ओम और 8 ओम, तो इसीलिए अपन जो सबट्रैक्ट एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे वो अपन कर रहे हैं 2 ओम का और 8 ओम का, लाइक दिस, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 to the 4 डिवाइड बाय 10, तो 4 एम्पीयर, दिस इज इक्वेशन नंबर।
आई टू की इक्वेशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। अपन ने यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज किया एंड विद द हेल्प ऑफ करंट डिवीजन रूल आपने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्टेड थे, 2 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम का रेजिस्टेंस, उन दोनों बीच में अपन ने इसको यूज किया और जो रेजिस्टेंसेस आपके यहाँ पे गिवन थे उन रेजिस्टेंसेस यूज का यूज करके अपन ने फाइनली आई टू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया। इस स्टेप में किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है अभी। करंट डिविजन रूल समझ आया कैसे किया आपने? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि 8 ओम से आपने सबसे पहले जब 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यूज किया तो उससे आपने I1 की वैल्यू निकाली 8 एम्प के अक्रॉस, वो आ गया आपका 2 एम्पियर। देन आपका दूसरा जो सोर्स आपको गिवन था इसमें आपका 2 एम्पियर का सोर्स, उससे अब अपन ने I2 की वैल्यू निकाली विद द हेल्प ऑफ करंट डिविजन रूल अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। जो आपने I2 में निकाली वो आपको आई है 0.4। तो लास्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर 5, इसमें जो है एल्जेब्रिकली एड अप ऑल द पार्शियल रिस्पॉन्स ऑब्टेन अप टू स्टेप 4। मतलब यहाँ पे अपन ने जब दोनों के दोनों सोर्सेस को यूज किया और उन सोर्सेस को यूज करके अपन ने दोनों ही स्टेप से जब अपन ने रिस्पॉन्स निकाला है तो लास्ट में अपन उन सारे रिस्पॉन्स को क्या करेंगे अब इसमें एल्जेब्रिकली एड, ठीक है ना? तो इसमें लिखिए फॉर फॉर एल्जेब्रिकली एडिंग द 2 करंट्स। फॉर एल्जेब्रिकली एडिंग द 2 करंट्स वी नोट दैट डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2, वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ I1 एंड I2 आर अपोजिट। ठीक है, जब अपन एल्जेब्रिकली एडअप कर रहे हैं किसको, जो अपन ने दोनों करंट वैल्यू निकाली है I1 की वैल्यू जिसका डायरेक्शन जो है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो 8 ओम का रेजिस्टेंस अपन यहाँ पे देख रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे I1 की वैल्यू अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो हो रही है। सिमिलरली जब अपन I2 की डायरेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, तो उसको डायरेक्शन का भी अपन को ध्यान रखना है। सो नाउ करंट इन 8 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम आई इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, एल्जेब्रिकली एड अप करेंगे लेकिन करंट का डायरेक्शन अब क्या रहेगा, यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, I1 क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द टू वैल्यू ऑफ आई वन एम्पियर इन दिस? हाँ, 2 एम्पियर टू I1 की एम्पियर वैल्यू प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब 0.4। 0.4 तो होगी लेकिन अब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा या माइनस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I2 करंट जो है वो उसके
अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज 2 माइनस 0.4। तो जो यहाँ पे आपकी जो करंट की वैल्यू अब निकल के आई है यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1.6 एम। ठीक है, एक बार और इस कंसेप्ट को आप लोग देखिए। ठीक चलिए बताएं, किसी को इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। बेटा समझ आया, करंट का जो अपन ने डायरेक्शन देखा है इसमें, सबसे पहले अपन ने एक सोर्स यूज किया, उस एक सोर्स से अपन ने करंट की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू आई आपकी I1 8 ओम के अक्रॉस। उसके बाद अपन ने दूसरा जो सोर्स यूज किया 2 एम्पीयर करंट सोर्स, उससे आपने 8 ओम के रेजिस्टेंस की अक्रॉस वैल्यू निकाली I2, वो वैल्यू दिखी। उसके अपन ने देखा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, आपका अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे फाइनली में जो आपका 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट जो अपन ने वैल्यू निकाली वो आई आपकी I1 माइनस I2, डेट इज 1.6 एम्पीयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें इसका, सुपरपोजिशन थ्योरम का। इसमें किसी को भी डाउट हो तो पूछो मुझसे। सुपरपोजिशन थ्योरम का जो अपन ने न्यूमेरिकल अभी सॉल्व किया, उस न्यूमेरिकल में स्टेप बाय स्टेप में किसी कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट करें आप। अरे बाकी बाकी स्टूडेंट्स में इसको थोड़ा अटेंटिव रहा करें क्लास में, यार आप लोग बोलते ही नहीं है कुछ। करें कि नहीं करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाँ या ना? बताया यस सर, यस सर, करो ना, यस क्लियर? तो सर, अब जो आप नेक्स्ट यस जो सर, न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए इसको किया कर रहे हैं अपन। तो इसको लिखिए, फाइंड द पावर लॉस इन 4 ओम रेजिस्टर। फाइंड द पावर लॉस इन
4 ओम रजिस्टर, मतलब इसमें क्या करना है अपन को, अब 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। डायग्राम बनाएंगे सभी लोग इसका, प्लस माइनस 5 वोल्ट कॉमा 0.2 ओम, उसके बाद 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम और एक और वोल्टेज सोर्स में आपको इसमें डिटेक्ट करता हूं, 5 वोल्ट कॉमा 0.1 ओम, ये आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट, 0.2 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 5 वोल्ट, 0.1 ओम। चलिए डायग्राम बनाया सब लोगों ने, अब मुझे कोई ये बताएगा क्लास में से कि यहाँ पे 5 वोल्ट कॉमा 0.2 ओम और 5 वोल्ट कॉमा 0.1 ओम ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सर इंटरनल रेजिस्टेंस है सर। इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनेशन, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों ही दो सोर्सेस अपने गिवन है, इन दोनों सोर्सेस में आपका इसमें वैल्यू तो है ही वोल्टेज का, इन एडिशन टू डेट इसमें आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें लिखिए, हेयर बोथ हेयर बोथ द सोर्सेस हैव द इंटरनल रेजिस्टेंसेस, हेयर बोथ द सोर्सेस हैव द इंटरनल रेजिस्टेंस। स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में टेक 1 वोल्टेज सोर्स एंड रिप्लेस द अदर बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आया इसका मतलब, क्या लिखा अपन ने, मतलब इसमें क्या करेंगे, अगर अपन ने एक बार में एक कोई सोर्स सिलेक्ट किया, ठीक है ना, तो वो सोर्स तो आपका सिलेक्ट होगा ही, उसके साथ जो उसका जो गिवन में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो अपन यूज करेंगे ही, इन एडिशन टू डेट जो अदर आपका सोर्स होगा अब उसको अपन रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से, ना कि अब उसको अपन शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता तो फिर अपन उसको 0 अज्यूम मान के चलते, तो वो ब्रांच आपकी क्या हो जाती, वो आपका शॉर्ट हो जाता है, दैट ब्रांच विल बी शॉर्ट, तो 5 वोल्ट को अपन शॉर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो इसीलिए उस टाइम पे पर्टिकुलर जो आपका करंट है उस करंट की वैल्यू अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है वो आपका इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें जो आपका 5 वोल्ट और 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है उस वैल्यू को अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कर रहे हैं अपन कंसिडर 5 वोल्ट और 0.2, तो उसके लिए फिर से अपन सर्किट को रिड्रॉ करेंगे।
जैसे ही सर्किट को रिड्रॉ करेंगे तो आपकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी यहाँ पे, लाइक दिस। एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपका गिवन है किसका, 0.2 ओम, यहाँ पे प्लस माइनस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 0.2 ओम है, ये तो आपका रहेगा ही। 2 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब यहां पे इस ब्रांच में क्या होगा बताएं? 0.1 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब यहां पे अपन इसको शॉर्ट ना करते हुए इस पर्टिकुलर जो वोल्टेज के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, अपन उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देंगे, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका 0.1। समझ आया कैसे क्या किया अपन ने? जो पर्टिकुलर जो आपका रेजिस्टेंस इसमें गिवन था इंटर रेजिस्टेंस से, अपन ने उस इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करी हुई है। फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं इसमें, क्योंकि थोड़ा सा क्लीन नहीं था वो। यहाँ जो वैल्यू है आपकी, दैट इज 0.1। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है आपसे, पावर लॉस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इट मींस दैट अगर आपको पावर लॉस निकालना है 4 ओम का रेजिस्टेंस से, फाइंड द पावर लॉस इन 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम, यूजिंग सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम की हेल्प से अपन यहाँ पे पावर की वैल्यू निकालेंगे। इट मींस दैट यहाँ पे जो आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू। ठीक है ना, अब जो ये करंट की वैल्यू आपकी आएगी, उस करंट की वैल्यू जो अपन निकालना चाहेंगे, उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू अपन सबसे पहले एक सोर्स की हेल्प से निकालेंगे 5 वोल्ट और 0.2 ओम की हेल्प से, फिर दूसरे सोर्स की हेल्प से निकालेंगे 5 वोल्ट और 0.1 की हेल्प से। उसके बाद दोनों को अपन एल्जेब्रिकली एड अप करेंगे और जो आपका आंसर आएगा उसको अपन इसमें पुट कर लेंगे, तो वो आपका करंट की वैल्यू आएगी। फिर विद द हेल्प ऑफ पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो आपका करंट आएगा, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायरिंग द टर्म ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस जो आपका इसमें गिवन होगा, वो आपका टोटल पावर लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने इस पहले वाले लूप में मैं जो करंट फ्लो करा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ I1 डैश, और दूसरे वाले लूप में मैं करंट जो फ्लो करा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ I2 डैश। I1 डैश और I2 डैश की मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, तो अब विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे, और उस इक्वेशन से अब अपन यहाँ पे जो I2 डैश की जो वैल्यू है वो अपन को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मेन अपना जो मेन मोटो और एम है वो अपना 4 ओम के अक्रॉस के रेजिस्टेंस के अक्रॉस की करंट का है। ठीक है ना, यस सर। ठीक है, तो इससे जो आपकी करंट की वैल्यू आएगी वो अभी अब निकाल लेते हैं अपन। इजीली इसकी अपन मैश इक्वेशन राइट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैंने इस मैश मैश इक्वेशन मैश नंबर 1 के लिए लिखी, तो क्या आ गई आपकी,
टू आई वन डैश प्लस एंटरिंग वाला ही साइन ले रहा हूं मैं, सिक्स आई वन डैश माइनस आई टू डैश माइनस फाइव प्लस 0.2 आई वन डैश इक्वल टू 0, यही आएगी। 6 2 8, तो 8 हो गया 8.2। 8.2 आई वन डैश माइनस 6 आई टू डैश इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से जब अपन ने मैश अप्लाई किया सेकेंड इक्वेशन में, सबसे पहले मैश अप्लाई किया अपन ने, फिर अभी अगर ने फिर से अपन ने केवीएल अप्लाई किया, पहले मैश 1 में अप्लाई किया फिर मैश 2 में अप्लाई किया, ठीक है ना। तो अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगी बताएं। तो इक्वेशंस को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना है, स्टार्ट करो बेटा। 4 I2 डैश प्लस 0.1 I2 डैश प्लस 6 I2 डैश माइनस I1 डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी माइनस 6 I1 डैश प्लस 10.1 I2 डैश इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और बताइए आई टू डैश की वैल्यू क्या आई आपकी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई टू डैश, जो आपकी इक्वेशन आपने सॉल्व इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। एट पॉइंट टू आई वन डैश माइनस 6 I2 डैश इक्वल टू 5, बताइए बेटा क्या वैल्यू है इसकी आपकी। बताइए जल्दी आई टू की वैल्यू क्या आई बेटा, आई टू डैश की। सर 1.97। व्हाट इज वैल्यू आई टू डैश क्या है आपका, फिर से बताना। 1.97। नहीं, 1.97 नहीं आएगा। 1.56। हाँ सर 2.64। 0.64, गुड। द वैल्यू ऑफ आई टू डैश इज 0.64 एम्पियर। ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसे पुट करके, है ना। टू इक्वेशंस को इसमें इजीली फाइंड अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अभी अपन ने कंसीडर किया था 5 वोल्ट 0.2 ओम, अब अपन कंसीडर करेंगे, कंसीडर अनदर वोल्टेज सोर्स।
अनदर वोल्टेज सोर्स था वो क्या था आपका 5 वोल्ट और 0.1 ओम, ठीक है ना। दैट इज राइट हैंड साइड वाला अपन वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वोल्टेज सोर्स है उसको अपन रिप्लेस कर देंगे उसके इंटर रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू है 0.2। इसका फिगर फिर से बनाइए क्योंकि हर सर्किट का फिगर अलग अलग बनाना जरूरी है फॉर द सुपर पोजिशन थ्योरम। तो इसका फिगर जो बना लाइक दिस। इस तरीके से आपका बना इसमें फिगर, दैट इज 5 वोल्ट, 0.1 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, और यहां पे जो आपका वोल्टेज सोर्स था 5 वोल्ट, उस वोल्टेज सोर्स को अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया एंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2। ठीक है, अब इसमें भी अपन वही करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। तो जो अपन मैश में ट्रिक अप्लाई करते थे वही ट्रिक फिर से अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने करंट फ्लो करा दिया I1 डबल डैश, और यहाँ जो करंट फ्लो करा दिया वो आपने I2 डबल डैश फ्लो कराया, ठीक है। यूजिंग मैश एनालिसिस इनकी इक्वेशन लिखेंगे फटाफट अपन हम। 2 I1 डबल डैश प्लस 6 I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 I1 डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हुई आपकी इसकी, 8.2 I1 डबल डैश माइनस 6 I2 डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर हुई आपकी 3। जब अपन ने मैश 1 में केवीएल अप्लाई किया, सिमिलरली जब अपन मैश 2 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी। फोर आई टू डबल डैश प्लस 0.1 I2 डबल डैश प्लस 5 प्लस 6 I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इज इक्वल टू 0। बेटा इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं आती, केवीएल की इक्वेशन अपन ने प्लस माइनस लेकर पूरा का पूरा एंट्रिंग साइन यहां पे ले लिया है इसका, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जो बनी आपकी इसमें -6 I1 डबल डैश प्लस 10.1 I2 डबल डैश इज इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को सॉल्व करें और बताइए I2 डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है। तो जो आपकी I2 की वैल्यू आएगी वो ही करंट अपना कहां से फ्लो होगा, तो सो टोटल करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इस टोटल I2 जो है आपका वो कितना हो जाएगा आपका I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। बताइए I2 की वैल्यू अपनी कितनी आई है यहाँ पे। I2 आया आपका 0.64 एम्पियर है ना, और I2 डबल डैश कितना आ रहा है बेटा बताएं। I2 डबल डैश हो जाएगा आपका यहाँ पे, और उसके जस्ट बाद लास्ट में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी विल गेट द पावर लॉस, दैट इज I2 स्क्वायर आर। तो जो I2 की वैल्यू आएगी वो बनेगी
पुट कर देंगे इसमें बाय स्क्वायरिंग दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 ओम के अक्रॉस निकालना है। द वैल्यू ऑफ पीएल, जो भी इसकी पावर लॉस आएगी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ आया न्यूमेरिकल? ठीक है, आई टू डबल डैश की वैल्यू इसकी कैलकुलेट करना, आई टू निकालना, पावर लॉस निकालना, फिर कल अपन इसका फाइनल आंसर अपन को इसमें क्लास में इसको रिटर्न। हाँ, किसी का आया आई टू डबल डैश? 0.87 हाँ, वेरी गुड। 0.87 प्लस में आएगा माइनस में आएगा? प्लस में सर। सर 0.34 आ रहा है मेरा। कोई नहीं, आप लोग ये वाला इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 एक बार इसको सॉल्व करना, ठीक है ना? 12 बज गए, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, कल इसको अपन कंटिन्यू कर लेंगे एक बार, ठीक है? सॉल्व करके रखना, फिर इसको अपन कल फिर से करेंगे, है ना? तो आंसर कितना है ये तो बता दो। सर पावर लॉस आ रहा है इसका 0.221। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अटेंडेंस आप लोग मॉड्यूल में मार्क कर देना।